कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। Congratulations, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से दिख सकेगी। So आलिया, how are you feeling? डॉक्टर ठीक हूँ मैं, बट साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इरिटेशन हो रही है आईज में। डोंट वरी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में। और हाँ, आंखों को टच या रब मत करना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर, हम आलिया को कब घर ले जा सकते हैं? वैसे कल शाम आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स मैंने बताए उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। Mom, I'm so happy. अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना? Hey, आलिया, कैसी हो तुम? Guys, आलिया की आंखें ठीक हो गई। ये एक बार फिर से हम सबको देख सकती है। वाओ, कांग्रेस आलिया। थैंक गॉड आलिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, पूरे एक साल बाद फिर से हमारे ग्रुप में जान वापस आई है। जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। अभी अभी आलिया। चलो यहाँ से, चलो बाहर चलो। डैड, चलो डैड। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो मैं आलिया को देखने आया था सर। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम यहाँ आए उसे देखने? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आने में? I'm genuinely sorry सर। सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है पिछला एक साल आलिया और हम सब ने कैसे गुजारा है? आलिया की जिंदगी बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड रिलैक्स, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं निशा, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इस अर्जुन की लापरवाही की कीमत हमारी आलिया चुका रही है। गाड़ी ये चला रहा था लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये हॉस्पिटल है और आलिया को आराम की सख्त जरूरत है। यस प्लीज, आप लोग बाहर जाकर बात कीजिए। सॉरी डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। चलो नीचे। मैंने पूछा कौन? कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कविता चाहिए मुझे मिल गई। अरे आलिया बेटा, चीयर अप। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आईसाइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। थैंक यू। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो चलो। तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है, चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। अरे, निशा दी कहाँ चली गई? वो भी इतनी रात को? निशा दी, निशा दी, निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ हैं आप? निशा दी कुछ तो निशा दी, निशा दीदी, निशा दी, आलिया इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर आलिया वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी, वहां एक औरत थी अर्जुन। आलिया वहां कोई नहीं है। अर्जुन, आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ, अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई। वो मन नहीं लग रहा था मेरा, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफ़ी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं। आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। नमस्ते। क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है। चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता। क्यों नहीं थी? बोलो क्या हुआ? कोई है। कहाँ? हाँ, पियानो के पास। वहाँ कोई नहीं है आलिया। देखो उधर, देखो उधर कोई नहीं है। निशा दी, वहाँ था कोई। क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ आलिया बेटा? आलिया? डैड मैं सो रही थी तो मैंने आलिया के चीखने की आवाज सुनी। इससे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ। अब निशा इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ डैड आजा आजा। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? डोंट वरी, ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब निशा मैं यहाँ हूँ, ये अंकल को पता तो नहीं है ना? डोंट वरी अर्जुन, डैड घर पे नहीं है। ये सब तब से हो रहा है जब से मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। वो ना हो, इस सब का कनेक्शन मेरी आंखों से है, उस इंसान से है जिसने मुझे ये आंखें डोनेट की। तो फिर हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हें ये आंखें डोनेट किसने की है ना? पता करने की कोशिश की थी डॉक्टर से, थैंक्स बोलना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, बताया नहीं। मैं लाऊंगा, मैं उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। चले तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम कार में बैठो, हम दोनों जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम निशा है। डॉक्टर प्रकाश ने मुझे फाइल्स लेने के लिए बुलाया है। आप प्लीज हमें लाकर दे देंगी? थैंक यू सो मच। अर्जुन जल्दी करो। जल्दी करो अर्जुन। हो रहा, हो रहा। अर्जुन नर्स, क्या हुआ? किसी को देखा? हाँ? हाँ कोई नहीं है। देखो ये तुम्हारा वहम होगा। हाँ। भाई तुम्हें हमें उस डोनर की सारी डिटेल्स मिल गई है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं रहती थी? हाँ हाँ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक नैना यही रहती थी और उसी की मौत के बाद तुम्हें उसकी आंखें डोनेट की गई थी। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में? हो सकता है नैना का कमरा ऊपर हो। अब हमें वहां से शायद कुछ पता चल जाए। निशा तुम वहां देखो, आलिया यहाँ देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अर्जुन, निशा दी, ये डायरी देखो, ये नैना की डायरी है। और इसमें क्या लिखा है? मैं नैना, मुझ में भी मेरे मॉम डैड की तरह एक खास शक्ति है। मैं भी आत्माओं को देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। मुझसे वो सारी आत्माएं आकर बात करती हैं जो इंसान के मरने के बाद भी यहीं इस दुनिया में भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ मकसद, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और वो मुझसे वो सब पूरा करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले और वो दूसरी दुनिया में जा सके। शायद इसीलिए मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। क्योंकि मुझे नैना की आंखें मिली। हाँ, यही वजह होगी। तभी तो जब से मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे ये सब दिखाई देता है। पर सारी आत्माओं को मुक्ति नहीं चाहिए होती थी। वो ऐसी भयानक आत्मा है जो मुझे रोकती है दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलवाने से। वो चाहती है कि सभी आत्माएं यहीं इस दुनिया में भटकती रहे। कुछ ऐसी ताकतवर आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। शायद मेरी जान को भी खतरा है अब। शायद इसी वजह से नैना की भी अचानक मौत। हाँ, नैना को भी किसी आत्मा ने ही मारा होगा। लड़की वही है जो कल रात मुझे पियानो के पास दिखी थी। इसका नाम मेहर है। इसका मतलब मेहर की आत्मा चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि उसे किसने मारा। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई है। मुझे पता चल गया। आलिया। आलिया बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? आलिया, आलिया बेटा, तू ठीक है ना? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये किसका घर है? इस लड़की को पहचानते हैं डैड? बोलिए डैड, इस लड़की को पहचानते हैं आप? क्या बोल रही हो बेटा, कौन है ये? भूल गए डैड, ये वही लड़की है जो आपके गाड़ी के नीचे आके मरी। याद है? मैं नहीं पहचानता इसे। झूठ बोलना बंद कीजिए डैड। इस लड़की की आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं उसे बताऊं कि उसका कातिल कौन है। और उसका कातिल आप है डैड। इट्स यू। कबूल कीजिए डैड कि इस लड़की को आपने मारा है। आलिया बेटा, आलिया बेटा, काम डाउन प्लीज। आलिया बेटा, आलिया सुनो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेटा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझ के किसी की जान नहीं ली। तू ही मेरा कातिल है। निशा, निशा, तूने ही मुझे अपनी गाड़ी से मारा और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। सच बोल वरना तेरी बेटी भी आज मरेगी। नहीं नहीं, मैंने ही मारा था। ये नहीं, गाड़ी मैं चला रही थी। सारी गलती मेरी है। इन्होंने तो कहा भी कि उसको ऐसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैंने ही मना किया। मैं उस रात नशे में थी, कंट्रोल नहीं रहा, उड़ा दिया इसको। चलो घर चलते हैं। अरे हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। अरे मरना है क्या? इसकी मदद करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाती। इन्होंने तो कहा भी कि हमें उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पर मेरे कहने पर ही हम वहां से चले गए। प्लीज उसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम दोनों के कारण मेरी जान गई है। अब तुम्हारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मेरी प्यारी आलिया है ना, तू कभी किसी से डरना मत। ये भयानक और ताकतवर आत्माएं तुझे अच्छा काम करने से रोकेंगी, पर तू रुकना मत। मैं जा रही हूँ आलिया, मैं जा रही हूँ। कौन है वो? कौन हो? कौन हो तुम? ए कौन हो? कौन हो तुम? ए आगे मत बढ़ना। ए ए ए ए ए ए आगे मत बढ़। ए वहीं रुको, आगे मत बढ़। ए ए आगे मत बढ़। ए आगे मत बढ़ना। कौन? ए ए आगे आगे मत बढ़। ए ए ए आगे मत बढ़। Show some romance, please. Yeah. Very nice. Sonali, one picture, please. Sure, madam. I'm also joining. Awesome. यार ये विपुल का बच्चा कहाँ रह गया? इतना फोन ट्राई किया उसे, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। एंगेजमेंट खत्म हो गई, सब चले भी गए और उसका पता भी नहीं। यार लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो बोला था कि 1 घंटे तक पहुंच जाएगा, पर अभी तक नहीं पहुंचा है। हेलो मैडम, कहाँ है आपके बॉयफ्रेंड? आपको तो पता होगा ना। जैसे कि वो मुझे सब कुछ बता के जाता है। जनाब को तो बस अपनी बाइक चाहिए, बस उसके बाद निकल जाते हैं। फिर अगले दिन पता चलता कि शहर में नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो वो अपनी एडवेंचर ट्रिप को प्यार करता है। आई एम टेलिंग यू, विपुल की एडवेंचर ट्रिप ना मेरी जान ही ले लेगी। यार कितने फ़ोन कर दिए उसे, नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। विपुल का फ़ोन है। हेलो अंकल। हेलो कर, कहाँ है यार तू? तुम लोग यहाँ कालाकंडर गाँव आ जाओ। सुन सुन, तू ठीक तो है? कर, 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 कर। हेलो हेलो, लगता है विपुल किसी मुसीबत में है। हमें अभी के अभी कालाखंडर गांव जाना होगा। लेट्स गो। चलो। ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? पक्का यही रास्ता है ना? जीपीएस के हिसाब से तो यही रास्ता है कालाखंडर गांव का सीधा। मुझे समझ नहीं आ रहा विपुल यहाँ आया क्यों था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर। तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलकर उसकी क्लास लेंगे। लगता है वो गांव इधर ही कहीं है। धीरे करो धीरे करो। तेरा बोल कालाखंड गांव लेफ्ट। ठीक है लेफ्ट यहाँ से। देखो करण, वहां से कोई आ रहा है, उनसे रास्ता पूछते हैं। भाई साहब ये कालाखंडर गांव का रास्ता किधर से? यहाँ से सीधे जाना, वहां से बाएं मुड़ जाना, वहां पे एक पीपल का पेड़ आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाना। कनका वो देख, कोई है वहां पे। कहाँ? सोनाली कहाँ है? यही था अभी। कनिका बोरा, कनिका वो देख, वो देख, बोरा सफेद चादर में। सोनाली कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है ये सब कुछ। नहीं कोई था वहाँ पे, कोई था। कनिका सच में कोई था। कोई नहीं है सोनाली। ठीक, शुक्रिया। सुनसान रास्ता देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था इसका ये माहौल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी की आज शादी होगी। चलो उनसे पूछते हैं। आओ। ताऊ, हमारा एक दोस्त शहर से इस गांव में कहीं आया है, ऐसा लग रहा है किसी मुसीबत में है। आप लोगों कुछ जानते हैं उसके बारे में? उधर चलो। शुक्रिया। अरे विपुल, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ यार। मुझ पे अटैक हुआ था यार। अटैक? हाँ, बट पता नहीं क्या चीज थी, और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इन गांव वालों ने मेरी हेल्प की यार। तुम में से कोई ना कोई मुझे लेने आने वाला ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम सबको बुला लिया जाए, और इसी बहाने एडवेंचर हो जाएगा यार। विपुल इट्स नॉट फनी। आई एम सॉरी। तुम्हें होश भी है मेरा क्या हाल हुआ था? सोनाली आई एम रियली वेरी सॉरी। डोंट टॉक टू मी। नहीं नहीं सोनाली, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। इसके जितने एडवेंचर का शौक है ना, no. वो हम पूरा करेंगे। नो करण, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। बात ये थी कि यहाँ शादी का माहौल है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम सब भी चलो। एंड सो आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई डोंट नो। पक्का प्रॉमिस? या। अच्छा ठीक, मैंने तुमको माफ किया। गाइस, हम लोग गांव में आए हैं तो गांव की शादी एंजॉय करें। शादी एंजॉय करें। अब गुस्सा उतर गया? हाँ वैसे जगह इतनी बुरी नहीं है। लेट्स गो। चलो मैं कैमरा निकालती हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों कपल रोमांस करो और मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल कबाब में हड्डी बनानी चाहती, इसीलिए मैं एंजॉय करती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। सब कुछ। कितनी रौनक है यहाँ पे। वाह, खाने में कितना कुछ बन रहा है। अम्मा, क्या बना रही हो? अम्मा, क्या मैं मदद करूं साथ में? अम्मा, 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 करण, कुछ दिखाना है। आप विपुल। अरे माया, क्या हुआ? सॉरी। ध्यान से अपनी आंखें मत खोलना। अरे क्या कर रही हो तुम? जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। खोलो अब। हाँ खोलो। वाव, कितना सुंदर है ये। कितना ब्यूटीफुल है ना। करण, क्या हुआ? नई आवाज सुनी? कैसी आवाज? अभी आई। मैंने तो कुछ नहीं सुना। कुछ है करण, फिर सुनी। वो यहीं से आई करण। मैं मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। करण, इतनी जोर से आवाज आई करण कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चल रहा हो और ऊपर से। और मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आई। कुछ ऐसी आवाज थी जैसे। ए लवर्ड्स, चल मुझे कुछ दिखाना है तुझे। क्या दिखाना है? चल ना यार, मैं तुझे बताता हूँ। चल यार, तुम यहीं रहना, मैं आता हूँ। ठीक है? क्या है? बता। अबे चल नीचे यार। चल रहा हूँ। संभाल के आ रहा हूँ। क्या है? क्या चलना यार, फिर बता दो। अरे बता देना। अरे चल यार। ये तो दुल्हन लग रही है। सुनो सुनो, वहां कहाँ जा रही हो? अजीब है, सुनो। अरे रुको, अब रुको। तुम्हारी शादी है ना आज? अपनी शादी छोड़ के कहाँ जा रही हो? लड़का पसंद नहीं है क्या? अरे भाई जवाब दो, अपनी शादी छोड़ के कहाँ जा रही हो? बोलो। शहर से आए थे, मेरे साथ मेरी मंगेतर थी, पीले रंग के कपड़े में थी। आपने देखा है क्या? ताऊ, आपने देखा है क्या? वो पीले रंग के कपड़े में थी। माया, माया, से बताओ क्या हुआ? अंदर विपुल की डेड बॉडी है। करण में डेड बॉडी? अरे विपुल तो अभी मेरे साथ था, इधर ही होगा। करण, करण, माया तुम यहाँ हो यार? पूरे गांव में ढूंढ लिया तुमको यार। विपुल, हाँ? तुम यहाँ? ये अभी तुम्हारी डेड बॉडी देखी अंदर है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ गई यही थी करण में, विपुल की बॉडी यही थी। अभी यही थी विपुल की बॉडी। माया, माया ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? करण, वो एक आदमी था, उसका चेहरा जला हुआ था, सफेद रंग की चद्दर ओढ़ी थी, उसने मुझे घसीट के यहाँ फेंक दिया। करण में I don't know। तुम्हें हाथ लगाया उसने? मैं देखता हूँ किसने तुम्हें हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे करण, करण मेरी बात तो सुन। करण में बोलूंगा उसे। भाई साहब, एक आदमी है, उसका चेहरा जला हुआ है, उसको देखा है क्या आपने? सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी है उसने। नहीं, एक आदमी था, उसका चेहरा जला हुआ था, उसको देखा है क्या आपने? इधर ही से गया है शायद, पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार मिलने दो उसकी खैर नहीं। ए! रुक! ए! भागता किधर है? रुक! भागता किधर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया को हाथ लगाने की? जवाब क्यों नहीं देते हो? कुछ बोलता क्यों नहीं है? देखो, डरता नहीं हूं मैं किसी से, समझे? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाने की? नहीं, मुझे भी नहीं मिला। अंदर देख लिया मैंने हर जगह। करण, 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 कहाँ तुम? करण, 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 कहाँ यार? करण, 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 करण। माया, वो ये रहा। मैं आऊँ? करण, कहाँ थे तुम? अरे मैं बस इधर ही गया था। कितना डर गई थी मैं। अरे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। यार हमको सबको साथ में रहना है। वो शादी की रस्में शुरू हो गई है यार, बारात आ चुकी है, शादी एंजॉय करना है यार हमको। चलो। पर कनिका कहाँ है? अरे कनिका, उसको मैंने अंदर देखा था। चलो चलो, लेट्स गो। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। ओह चलो मेरी रिकॉर्डिंग। आप लोग बैठिए, बस दूल्हा दुल्हन आता ही हो। थैंक यू। बैठिए बैठिए प्लीज। तुम्हें बड़ी जल्दी से शादी देखने की। हाँ यार, मुझे तो ये देखना है दुल्हा कैसे दिखता है, क्योंकि पता है सोनाली, ये दुल्हन मंडप से भागने वाली और शायद किसी गांव वाले ने देख लिया होगा, वापस आ गई। गांव में भी दुल्हन भागती है। दूल्हे राजा, अपनी शक्ल तो दिखाओ। करण, ये करण यहाँ क्या कर रहा है? करण, क्या कर रहे हो तुम? शादी कर रहा हूँ। शादी है मेरी आज। बट करण, बहुत हो गया मजाक। क्या हो रहा है ये सब? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिखाई नहीं दे रहा है? शादी कर रहा हूँ। शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। विपुल, तुम ही समझाओ करण को। ठीक ही तो कह रहा है वो। विपुल तुम भी? हाँ, इसी की तो शादी है आज। हाँ। तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया। मैं, आप लोग हमें 2 मिनट दीजिए प्लीज। करण उठो, मेरे साथ आओ। उठो करण। करण तुम पागल हो गए हो क्या? आज ही तो तुम्हारी और माया की एंगेजमेंट हुई है और ये विपुल और कनिका भी पागल हो गया। तुम ये शादी नहीं कर सकते करण। मैं ये शादी करूंगा और वो रही मेरी दुल्हन। करण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रहे हो करण तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ये शादी करके रहूंगा। करण नो। करण तुम कैसे कर सकते हो ये शादी? तुम भूल गए तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है माया के साथ। करण, करण चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। विपुल, कनिका स्टॉप। विपुल, विपुल, माया, सोनाली रुक, मैं देख के आती हूँ। कनिका, विपुल रुक जाओ। करण को ऐसे नहीं लेके जा सकते तुम। विपुल रुको, छोड़ो। विपुल छोड़ो उसे। करण, करण रुक जाओ। माया, सोनाली, विपुल रुक जाओ। माया। क्या हुआ? ये सब रुक। अभी मैं करण को तुम्हारे और इसके एंगेजमेंट पिक्चर्स दिखाती हूँ, फिर देख कैसे इमोशनल हो जाएगा। क्या हुआ? हुआ क्या? इसमें जो पंडाल में जो कनिका और विपुल की पिक्चर्स ली थी, ना उसमें कनिका है ना विपुल, और ना ही कोई गांव के लोग। ये जो पिक्चर्स हैं, देख, ये कैसे हो सकता है सोनाली? कैसे ये माया? कैसे ये लोग जो हमें दिख रहे हैं ना, ये लोग नहीं है ना विपुल, ना कनिका, ना गांव के लोग। ये सब आत्मा है। इसका मतलब वो बॉडी विपुल की ही थी। हमारे यहाँ आने से पहले ही विपुल मारा गया और कनिका आने के बाद। नो, यहाँ से चलते हैं। ये जगह सेफ नहीं है माया, लेट्स गो। नहीं सोनाली, करण तो जिंदा है ना? नहीं माया, लेट्स गो। नो। सोनाली, सुनो, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये सब जो हो रहा है, प्लीज तुम इसे रोक सकते हो क्या? प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरा कारण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। प्लीज मुझे बताओ। अंबर भाई साहब, मुझे आपकी बेटी रज्जो बहुत पसंद है। हम तो इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। आप तो शादी की तैयारियां शुरू करो बस। धन्यवाद अंबर भाई साहब, पर एक बार अगर अपने बेटे से पूछ लेते कि हमारी रज्जो उसे पसंद है भी कि नहीं। अरे भाई साहब, हमारा लड़का हमारी बात कभी नहीं टालता। अब फिर शहर में काम करता है, उसके पास आने के लिए समय नहीं। आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू करें। अच्छा, अब चलते हैं। रज्जो, तो खुश तो है ना? हाँ भैया, अब हमारी बहन दुल्हन बनेगी। तुम्हारी शादी ना हम खूब धूमधाम से करेंगे। हाँ, सुनिए भाई साहब, ये भारत आने में इतनी देर क्यों हो रही है? पता नहीं, पर मेरा बेटा भिकू पता लगाने गया है, पर ये लड़के वालों का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, अभी तक बारात क्यों नहीं आई? बारात नहीं आएगी बापू। ये शादी नहीं होगी। लड़के ने ब्याह करने से मना कर दिया। क्यों भैया, ऐसा क्यों? पहले हाँ बोला और अब मना कर दिए। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? बहना, तू रो मत, तेरी शादी होगी, जरूर होगी तेरी शादी। और देखना, इससे भी अच्छा दूल्हा तुझे मिलेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ। मेरी शादी अब कैसे होगी? नहीं होगी मेरी शादी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। रज्जो, 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 दरवाजा खोलो। रज्जो, 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 मेरी बात सुनो। रज्जो, मेरी बात। रज्जो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इसका मतलब तुम्हारी बहन रज्जो तू मर चुकी है। मतलब जो भी लड़का यहाँ आता है तुम्हारी बहन उससे शादी कर लेती है और फिर उसे मार देती है। मेरा विपुल भी इसलिए। सुनो प्लीज हमारी मदद करो। माया ये कह रहा है कि करण भी जिंदा नहीं बचेगा और हमें यहाँ से जाने को कह रहा है। माया माया यहाँ से जाना होगा। माया चल प्लीज यहाँ से चल। नहीं सोनाली मैं करण को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। माया समझने की सोनाली मैं करण को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। माया यहाँ पे सब आत्मा है। माया रुक जाओ। माया स्टॉप। सोनाली तुम गाड़ी निकालो मैं करण को लेके आती हूँ। हाँ, जल्दी फास्ट। करण चलो यहाँ से। तुम यहाँ से जाओ। करण करण मेरी तरफ देखो। करण तुम मुझसे प्यार करते हो ना कि इस रज्जो से। ये सब लोग मर चुके हैं। ये मर चुकी है करण। करण चलो यहाँ से। आजा माया यहाँ से चली जा। इसकी शादी होगी रज्जो के साथ ही होगी। नहीं करण करण मेरी बात सुनो। करण तुम मुझसे प्यार करते हो मैं तुम्हारी माया हूँ। करण मेरी बात सुनो। कैसे अरे भागो यहाँ से। सोनाली गाड़ी चालू करो। प्लीज जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से प्लीज। तू मेरा है और तू कहीं नहीं जाएगा। तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा। नहीं सुनो, तुमने हमारे सारे दोस्तों को मार डाला, मुझे नहीं पता तुम्हें इससे क्या मिल रहा है। हमें प्लीज जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। करण, करण चलो यहाँ से। करण, 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 करण चलो यहाँ से। करण, करण तुम ठीक हो? करण चलो यहाँ से। करण व्हाट आर यू डूइंग? करण क्या कर रहे हो तुम? करण तू क्या कर रहा है? करण छोड़ो मुझे। अब तू बचेगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माया क्या हो रहा है? नहीं भाई, मेरी बारात नहीं आई थी ना, तो अब किसी की शादी नहीं होगी, सिर्फ मेरी शादी होगी। और ये मेरा दुल्हा है। उठो, चलो चलो, हमें भागना होगा यहाँ से। चलो प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। क्या हो रहा? माया को कुछ मत करो प्लीज। माया, माया क्या हो रहा? प्लीज मेरी माया को कुछ मत करो प्लीज। इसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे जाने दो, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुमसे शादी। इस माया को छोड़ दो। करण आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।